दिल मिल ही जाएगा हाथ मिलाते रहिए। रियाज सवेरे ही क्यों करें? मॉर्निंग में जो रियाज किया जाता है उसके कई फायदे मैं भी बता चुका हूं और आप में से कई लोगों ने सुने भी होंगे, लेकिन सवेरे ही क्यों करना है? शाम में नहीं कर सकते? दोपहर में नहीं कर सकते? कभी और नहीं कर सकते? जब हमें टाइम मिले तब नहीं कर सकते क्या? सवेरे का ही ऐसा क्या है? तो आज ये वीडियो देखिए और मैं आपको सवेरे रियाज करने के फायदे और रीजंस दोनों बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा। रियाज ऐप अ सिंगर्स कंपेनियन। आपकी पसंद का कोई भी फिल्मी गीत या कोई भी राग या कोई भी थाट या कोई भी स्केल आप चुन सकते हैं इस एप्लीकेशन में और सीख सकते हैं और रियाज कर सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कोई भी पसंद का गाना है उसका यूट्यूब से लिंक कॉपी कीजिए और इस ऐप में पेस्ट कीजिए, उस गाने को भी आप सीख सकते हैं और अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स द्वारा सीख सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए। हमारा गला एक तरह से एक मशीन है, एक यंत्र है जिसको बार बार हमें पॉलिश करना पड़ता है, बार बार हमें चलाते रहना पड़ता है, नहीं तो जंग लग जाएगा। और उसी तरह जैसे कि एक मशीन को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, उसी तरह हमारे गले को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। वॉइस रेस्ट लोगों को लगता है कि उतना अहम नहीं है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना गले को चलाना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है उस गले को रेस्ट भी देना। हम गले से बहुत काम ले लेते हैं, हम दिन भर गाते हैं, दिन भर बोलते हैं, है ना, और रियाज भी कर लेंगे और बड़े एकदम रिगरस रियाज करेंगे, तेज़ तेज़ ताने गालेंगे और अच्छे अच्छे ऊंचे नीचे हर प्रकार के गाने गालेंगे और तेज़ चिल्ला के बोल लेंगे, धीमे बोल लेंगे, विस्पर कर लेंगे, हर तरह से गले का हम इस्तेमाल लेते हैं, लेकिन गले को रेस्ट हम नहीं देते। जिस तरह हमारे शरीर को रेस्ट चाहिए होता है, अगर हम दिन के 8-10 घंटे हमने काम किया है या जितने भी घंटे हम जगे हैं, तो कम अज़ कम हमको 6-7 घंटे की नींद भी ज़रूरी होती है, तब जाके हमारा शरीर रिचार्ज हो पाता है। उसी तरह हमारे गले को भी रेस्ट चाहिए होता है। अब ये मैं पॉइंट्स सारे बताऊँगा, उसके बाद मैं आता हूँ कि सवेरे के रियाज क्यों हमें करना चाहिए, क्योंकि सारे पॉइंट्स जो हैं उसी को कवर करते हैं। जब हम रात में सो रहे हैं तो जाहिर सी बात है शरीर के साथ हमारा गला भी रेस्ट ले रहा है। ऑटोमेटिकली जब वो रेस्टेड गला, है ना, जिसे पूरी नींद मिल चुकी है, जब वो सवेरे उठकर और फिर उस आवाज़ में, जिस आवाज़ में अभी तक आपने दिन भर में कुछ बोला चिल्लाया करा कुछ भी नहीं है, उस आवाज़ में जब आप रियाज करते हैं तो एक वॉइस में शेप बनता है। यही रियाज अगर आपने दोपहर या शाम में किया है तो वो फ़ायदा क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपकी वॉइस को रेस्ट नहीं मिला है, आपके शरीर को रेस्ट नहीं मिला है, क्योंकि गला भी शरीर का ही पार्ट है। तो जब तक शरीर अच्छे से रेस्टेड नहीं होगा, एक अच्छी स्लीप आपको नहीं मिली हो, अच्छी नींद आपको नहीं मिली हो, आपका गला भी काम नहीं करेगा, गला भी थका हुआ रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं, बहुत ज़्यादा गाना गाते हैं, रात में आपने बहुत ज़्यादा लंबा लंबा गा लिया है, उसके बाद आप सवेरे रियाज करेंगे तब भी आपको तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि गले को और शरीर को दोनों को रेस्ट नहीं मिला है। इसीलिए कहा जाता है कि जब सवेरे अगर आपको उठ के रियाज करना है तो रात में थोड़ा सा आपको जल्दी सोना है या फिर ऐसे टाइम पर सोइए। देखिए, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है कि आपने कितने घंटों की नींद ली है, क्वालिटी मैटर करती है कि कितनी क्वालिटी की नींद ली। भले आप 4-5 घंटा सोए हैं, मुश्किल से आपको 8 घंटे की नींद नहीं मिली, लेकिन वो 5 घंटा इट वॉज अ साउंड स्लीप जिसे कहते हैं, एक बहुत शांत और अच्छी सी नींद कि जब आप सवेरे उठे तो फ्रेश उठे। ऐसा नहीं कि 10 घंटे की नींद भी ले ली लेकिन जब सवेरे उठ रहे हो तो माथा दुख रहा है, शरीर भी दुख रहा है और अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, डिहाइड्रेटेड महसूस हो रहा है ना, वो सब नहीं होना चाहिए। तो साउंड स्लीप, अ क्वालिटी स्लीप आपको लेनी चाहिए। क्वांटिटी मैटर नहीं करती कि 6 घंटे सोए कि 8 घंटे सोए, भले 5 घंटे भी सोए, 3 घंटे भी लोग सो के एकदम फ्रेश उठते हैं। एंड आप देखते हैं पावर नैप लोग लेते हैं, 1-1.5 घंटे का नैप लेते हैं और फिर वो एकदम रिचार्ज हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ख्याल रखनी है, जब गला रेस्ट मिला हुआ है उसे रात में, तब जाके वो सवेरे अच्छे से गा पाता है, तब उसमें एक शेप बन पाता है, क्योंकि तब वो एकदम रॉ है, नेचुरल गला है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पूरा साइंटिफिक रीज़न बताया है कि क्यों आपको सवेरे रियाज करना चाहिए। अब आते हैं थोड़ा स्पिरिचुअल रीज़न पे। क्यों? क्योंकि रियाज जो है सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, वोकल एक्सरसाइज नहीं, आप एक यूँ समझ लें कि सिर्फ गले को चलाना, एक मशीन की तरह उसको चलाना, उसको रियाज कहते हैं। नहीं, रियाज का जस्ट मतलब एक एक्सरसाइज नहीं होता है, उसमें स्पिरिचुअलनेस भी जुड़ी हुई है, स्पिरिचुअलिटी भी जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि वो एक साधना है।
जिसे हम डिवोशन कहते हैं, जिसे हम आराधना कहते हैं, उसे हम रियाज कहते हैं, उसे हम साधना कहते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि सवेरे उठ के अलंकारों को गा लेना या तेज़ तेज़ ताने ले लेना या रागों को ले लेना या खरज में एकदम उतर के तार में एकदम जाके लंबे लंबे सुर लगा लेना, सिर्फ इसे ही रियाज कहते हैं। नहीं, ये सारा तो रियाज का एक्सरसाइज वाला पार्ट है। उसके अलावा रियाज का जो स्पिरिचुअल पार्ट है वो क्या है? जब आप उठ रहे हैं उस टाइम को, यानी उस 4 से 7 के टाइम को जो कि रात्रि का अंतिम प्रहर है, उसके बाद दिन हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, उसके पहले के टाइम को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी ईश्वर वेला, यानी उस समय ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में कहा है कि उस समय ईश्वर देवकाल उसे कहा गया है, कि उस समय ईश्वर जगते हैं, उस समय योगी ऋषि मुनि जगते हैं, उस समय वैरागी लोग जगते हैं। इसीलिए उस समय की जो रागें हैं, उस टाइम की जो रागें हैं वो भी सारी ऐसी हैं, भैरव है, वैरागी भैरव है, अहीर भैरव है, ये सारी वैरागियों की, अहीरों की, ये सारी योगी ऋषियों की, उनकी रागें हैं ये सारी की सारी। भैरव आराधना है, शिव की आराधना है, ठीक है। तो ये सारा वैसे भी स्पिरिचुअल टाइम है और वो पूजा का टाइम है। आप देखते हैं, आपने सुना होगा, जब सवेरे उठ के कोई भी काम किया जाता है तो आपका दिन पूरा सफल जाता है और वो काम जो है बहुत ज़्यादा सफल होता है, कि आप उसमें फिर ऐसा कुछ काम नहीं जो आपने सुबह किया हो वो ख़राब हो या बिगड़ जाए, वो है ना। जितने भी बुरे काम हैं या दानवों के काम है वो रात में होते हैं, जो निशाचर हैं वो रात में जगते हैं और सारे काम करते हैं, और सवेरे जो काम होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त के काम होते हैं, वो ब्रह्म के काम होते हैं, वो ईश्वर के काम होते हैं। ये सारा हमारी इंडियन माइथोलॉजी कहती है, वेस्टर्न कल्चर नहीं है, ये इंडियन कल्चर है। बाकी अगर आप वेस्टर्न कल्चर में जाए तो भैया वहाँ तो भाई रात में काम करने को भी सही माना जाता है, तो मैं उस कल्चर को डिनाई नहीं कर रहा, उनकी सोच को बुरा नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि हमारा क्या फिलॉसफी है, इंडियन कल्चर की क्या फिलॉसफी है सवेरे के रियाज के पीछे। तो एक तो वो ब्रह्म मुहूर्त है, देवकाल है, आराधना का काल है, तो रियाज का फिजिकल जो पर्सपेक्टिव है यानी एक्सरसाइज वाला पर्सपेक्टिव है, उसके लिए मैंने आपको बता दिया सवेरे क्यों जरूरी है, क्योंकि रात की नींद मिली होती है, गले को रेस्ट मिला होता है और रॉ गला होता है, एकदम न्यूट्रल होता है, बिना चला हुआ गला होता है, यानी उसका भी अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं किया है। आप देखते होंगे जिम जो है वो भी सवेरे के होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को भी वो रेस्ट रात का मिला होता है, तब जाके हमने उसको शरीर का काम नहीं लिया हुआ है, तो सवेरे का जिम जो है वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो सवेरे का कोई भी काम ज़्यादा फायदेमंद होगा। शाम में और दोपहर में भी रियाज होता है, ऐसा नहीं है, तब भी आप कर सकते हो, लेकिन उसका उतना बेनिफिट नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं, विद एक्सपीरियंस कह रहा हूं। सवेरे के रियाज का जो बेनिफिट है, उससे जो वॉइस का शेप बनता है, वो जो गोल्डन टाइम जिसे कहते हैं, है ना, और ये मैं कहता हूं इसीलिए मत मानो, करके देख लो आप। अगर आप करके देखेंगे तो आपको खुद वो फ़र्क मालूम चल जाएगा, शाम का, दोपहर का और सवेरे के रियाज का, है ना। तो वो फ़र्क आप जब खुद करके देखेंगे तो अपने आप ही मालूम चल जाएगा, है ना। तो खैर, बाकी पॉइंट्स तो मैंने आपको गिना ही दिए हैं कि क्या क्या होते हैं, तो मेरे ख्याल से आई गेस ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि रियाज जो है सवेरे ही क्यों करना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि शाम में और दोपहर में नहीं करना है, शाम और दोपहर करोगे सवेरे के अलावा तो 4 चांद तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन सवेरे का रियाज जो है वो आपको सोना बनाता है, है ना, वो आपको क्वालिटी देता है और वो ऐसा शेप देता है जिसको आप बाद में और पॉलिश कर सकते हो दोपहर या शाम के रियाज से या कभी भी के रियाज से, है ना, उसको आप पॉलिश कर सकते हो, लेकिन पॉलिश करने के लिए वो सोना होना तो चाहिए और वो आपको सवेरे के गले से ही मिलेगा, सवेरे के रियाज के बनाए हुए गले से ही मिलेगा, ठीक है। और ये सवेरे का रियाज इस तरह का रियाज है जो कोई भी कर सकता है, इट्स नॉट जस्ट फॉर सिंगर्स, इट्स नॉट जस्ट फॉर म्यूजिशियंस, इट्स फॉर एवरीबडी, है ना। और एवरीबडी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेडिटेटिव टाइम है, तो जिसको भी, जैसे कि मुझसे कई लोग ऐसे भी जुड़ते हैं जो कहते हैं कि हम प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, हमारा दिन भर का बोलने का काम है, तो हमारे गले में वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो इम्यूनिटी नहीं है कि हम दिन भर 2 घंटा बोलते हैं, हम थक जाते हैं, तो क्या करें ऐसा। तो मैंने उनको भी यही एक्सरसाइज दी है कि आप सवेरे उठो, ओम लगाओ, सा लगाओ, आधा घंटा लगाओ, सुर में लगाओ, अपने आप आपके गले को वो एनर्जी मिल जाएगी, वो स्ट्रेंथ मिल जाएगी कि आप दिन भर चला सकते हो। जिम क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर वो इम्यूनिटी, वो स्ट्रेंथ ही तो डेवलप करता है। ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा जिम कर रहे हो जिससे बॉडी बन रही है, मसल बन रही है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, वो जिम नहीं कह रहा हूँ, मैं उस जिम की बात कर रहा हूँ जो आपके बॉडी के अंदर व्यायाम की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपके शरीर के अंदर एक एनर्जी डेवलप करता है जिससे आप दिन भर उस शरीर से काम ले सकते हो। वही काम सवेरे का रियाज भी करता है कि सवेरे वो गले में अगर आपने वो डाल दिया बीज, उसके बाद वो दिन भर अच्छा चलेगा, ठीक है। तो बस ये कुछ बातें हैं, ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए सवेरे करने का, आपको बेनिफिट होगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ हम लाते रहेंगे नया, ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल को, इन वीडियोस को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। शुक्रिया।